दिव्या मधेना राजस्थान में युवा नेता हैं और अच्छा बोलती हैं और उनकी तारीफ है पूरे मारवाड़ में, पूरे राजस्थान में। और जब वो कोई बात अपनी कह रही है तो अगली में दम है इसलिए कह रही है। और दिव्या मधेना यदि कोई मुद्दे उठाती है तो सोच समझ कर उठाती है। यदि वो किसी के भी खिलाफ मुद्दा उठाए, कोई भी एमएलए उठाए कांग्रेस बीजेपी का, यदि सदन में कोई मुद्दा उठ रहा है तो सदन इसीलिए बना है। सदन का मतलब ये नहीं है कि आप यदि उस विधानसभा की, मान लो दिव्या मधेना जहां की विधायक है, यदि उनके मुद्दों पर दिव्या मधेना नहीं लड़ेगी तो कौन लड़ेगा? क्या गलत है? दम से लड़ रही है, खुल के बोल रही है और ये बोलना भी चाहिए, चाहे कांग्रेस का विधायक हो चाहे बीजेपी का विधायक हो। कल एक विधायक ने बात उठाई, मैंने तुरंत कलेक्टर की कमेटी बनाई और मैंने कहा अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा, आप भी, और 4-5 दिन में रिपोर्ट आएगी। ये सदन मंदिर है, यहाँ पे यदि कोई कांग्रेस बीजेपी का विधायक मुद्दा उठा रहा है तो उसमें किसी मंत्री को, मुख्यमंत्री को नाराज नहीं होना चाहिए हम लोगों को। वो बुराई नहीं कर रही थी, उसने इश्यूज उठाए हैं। और ऐसे इश्यूज जो दिव्या मधेना उठाए या कोई और एमएलए उठाए तो उनका सम्मान होना चाहिए और उनका जवाब देना आम सरकार की या मंत्रियों की जिम्मेदारी है। और जिस मंत्री के लिए वो पूछे कोई भी एमएलए कांग्रेस बीजेपी का, तो उसको खड़े होकर जवाब देना चाहिए, यही विधानसभा होती है। दिव्या मधेना जी की यदि कोई सड़कें निरस्त हुई है तो मैं भी मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा और दिव्या मधेना जी से भी करूंगा, जरूरत पड़ी तो धारीवाल जी से भी करूंगा। दिव्या मधेना कांग्रेस की उभरती हुई नेता है, अच्छी लीडर है। यदि उन्होंने ये बात सदन में उठाई है तो सदन में कोई भी एमएलए बात उठाता है तो ऐसे में हर मिनिस्टर की जिम्मेदारी है कि वो उसका जवाब सदन में दे या विधायक से बात करे। हम जो मंत्री और मुख्यमंत्री बनते हैं उनकी जिम्मेदारी एमएलए के प्रति ज्यादा है। 200 पूरा राजस्थान यहाँ बैठा है अंदर, यदि कोई एमएलए नाराज हो रहा है चाहे वो बीजेपी का हो कांग्रेस का, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। ये बात तो रंधावा जी कहकर गए कि जो जितना बड़ा है वो उससे जाकर मिले, तो क्या हो गया? यदि कोई एमएलए सवाल उठा रहा है कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का, उसके जवाब देना मंत्रियों की जिम्मेदारी है। आगे बढ़कर हमें बात करनी चाहिए। है कहाँ को करंट को नहीं पर सवाल उठाए, वो धारीवाल के उस बयान पर सवाल उठाए जो कि वीरांगना को लेकर दिए गए थे, वो सही थे? देखिए एक बात ध्यान रखना आप, इस देश में उस बात पे तो शायद धारीवाल जी ने अपना बयान विड्रॉ कर लिया जो उन्होंने दिया था विधानसभा में। अब धारीवाल जी के बयान पे तो यार धारीवाल जी से क्वेश्चन पूछो, तो सारो ही ठेको मारो पर लड़ाई करवाशोगे सारी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।